सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर स्टॉपिंग बाय हियर। तो ये जो है वीडियो WWE की लेटेस्ट न्यूज जो कि है उनकी अपडेट्स के बारे में है, ये रूमर्स हैं। उसी के बाद मैं नेक्सस के बारे में बात करूं तो मैं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज की रो में हुई। तो आप देख रहे हैं रेसलिंग गुरु और मैं हूं वर्मन। चलिए वीडियो में चलते हैं। बात कर लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो बन सकते हैं ड्यूअल चैंपियन। तो ये ड्यूअल चैंपियन जो कि हमें WWE चैंपियनशिप जो कि है यानी कि टैग टीम चैंपियनशिप, उनके बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज जो कि अभी के टाइम पर रूमर है कि शायद हमें जो है उनका एक पार्टनर देखने को मिल सकता है। अगर पार्टनर नहीं भी देखने को मिलता तो भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बनेगी, जबकि दोनों हाथ में उनके रो टैग टीम चैंपियनशिप होगी। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद जैसे कि रो टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन रेसलमेनिया पर, अगर वो जीत लेते हैं उनके बाद उन्हें जो है रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिलने वाला है, चाहे वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो चाहे वो WWE चैंपियनशिप हो। ऐसे जो कि इनसाइडर्स की न्यूज निकल कर आई थी, आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद उन्हें WWE चैंपियनशिप जो कि वर्ल्ड टाइटल होगा उसका शॉट मिलने वाला है, वो जीत सकते हैं 6 महीने तक यानी कि समर स्लैम तक वो जीत सकते हैं टाइटल। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बट अभी जो कि सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन 2018 में एक बार ड्यूअल चैंपियन जरूर बनेंगे, चाहे वो WWE टैग टीम चैंपियनशिप हो। मुझे नहीं लगता WWE इस टाइम इतना श्योर है इस चीज के लिए, बट आगे जाकर हमें रो टैग टीम चैंपियनशिप और WWE की चैंपियनशिप या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक साथ उनके कंधे पर देखने को मिल सकती है, या फिर कोई और चैंपियनशिप भी हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सी चैंपियनशिप उनके कंधे के ऊपर सबसे बढ़िया लगेगी रो टैग टीम चैंपियनशिप के बाद। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कि अंडरटेकर हैं वो क्यों नहीं आए WWE की रो में, तो मैंने जो कि पहले ही कह रहा था मुझे डाउट हो रहा था इस चीज के ऊपर कि अंडरटेकर जो कि है वो शायद इस पर ना आए, और इसका कारण ये है कि अंडरटेकर की जो कि रिटर्न थी उसको बहुत ज्यादा हाई रेटिंग मिल रही थी, जिसकी वजह से कि आज की रो बहुत ज्यादा बढ़िया गई और काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली WWE की रो को। और WWE जो कि है वो थोड़ा सा कंटिन्यू रखना चाहिए, जिस वजह से कि WWE ने इस चीज का थोड़ा सा ड्रामा किया, एक और या फिर दो और रोल जो है अंडरटेकर की रिटर्न को कर दिया डिले, जिससे कि जो कि WWE को मिलनी तो है TRP वो वाली रो पर, और आज भी मिल गई WWE चाहे अगली रो में दिखाए या उससे अगली रो में दिखाए, WWE को TRP तो मिलनी ही मिलनी है, जिसके चलते चलते कि WWE इस चीज का फायदा उठा रही है। और अगर हम बात करें तो शायद क्या हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के डाउट में होंगे कि अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना जो कि वो रेसलमेनिया मिस कर सकता है, तो मेरे हिसाब से इसके बहुत बहुत कम चांसेस है, बट ऐसा हो भी सकता है। जैसे कि हमें आज जो कि है केन देखने को मिले जिन्होंने कि जॉन सीना के ऊपर अटैक किया, तो शायद हमें केन और जॉन सीना का मैच देखने को मिले। हालांकि ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट केन वर्सेस जॉन सीना इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता जितना अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना होने वाला था। बट अगर हम बात करें तो ये मैच हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, ये जहां तक मुझे लगता है अंडरटेकर की हेल्थ को लेकर इश्यूज चल रहे हैं। बट अभी जो कि सबसे मेन रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि अंडरटेकर और केन और दूसरे साइड पर जॉन सीना हो सकते हैं, और जॉन सीना के साथ एक और रेसलर जो कि वो एड ऑन हो सकता है जो कि मेन इवेंट पर वहां पर मैच होगा। तो WWE पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, मेरे हिसाब से सिंगल्स मैच काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड ऑप्शन WWE के पास जो कि रहता है केन और जॉन सीना वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो कि वो अच्छा रहेगा, टैग टीम या फिर केन और जॉन सीना, या फिर जो कि ओरिजिनल फॉरएवर जिसका कि हम 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर शेयर करना। उसके बाद अगर हम फाइनल चीज के बारे में बात करें तो वो है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की वाली, जो कि मैंने देखा था काफी कुछ हुआ था उस चीज के बारे में। तो एक्चुअली अगर वो चीज बिल्कुल सही होती तो इस टाइम पर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही जेल में होते। वो कैसे, ये सुनो। सबसे पहले जो कि रोमन रेंस है, रोमन रेंस को जिन्होंने अरेस्ट किया पहले तो वो पुलिस पर्सन है या फिर WWE की सिक्योरिटी नहीं थी, मान लो वो होमलैंड वाले भी थे तो भी अगर वो रोमन रेंस को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, तो रोमन रेंस अगर उनके ऊपर अटैक करते हैं तो रोमन रेंस को वहां पर जेल होनी चाहिए थी, बिकॉज रोमन रेंस ने काफी बुरे तरीके से उन्हें मारा। बट उसके बाद दूसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे ब्रॉक लेसनर ने इतने बुरे तरीके से उनको पीटा रोमन रेंस को, वो भी बहुत ज्यादा गलत था, जिसकी वजह से कम भी ब्रॉक लेसनर को 6 महीने की जेल होनी चाहिए थी, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने जो किया है जो कि पर्सन ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है उसे, जो कि मतलब कस्टडी में ऑलमोस्ट अंडर है, ट्रायल के अंदर जा चुका है, उस बंदे को उन्होंने इतना मारा। दूसरी बात ये, किसी भी सिटीजन को WWE के या फिर WWE के जो कि इस टाइम पर करंटली साइंड नहीं है, मतलब जैसे कि अगर रोमन रेंस WWE में इस टाइम असली में अगर फायर होते तो ब्रॉक लेसनर जो कि वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं मार सकते थे। तो ये जो कि था ये एक फेक ड्रामा था, क्या आप दोनों जेल में जा सकते हैं, मुझे बहुत सारे लोग जो कि पूछ रहे थे, तो बिल्कुल नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों जेल में नहीं जा सकते, बिकॉज ये जो कि था एक स्टोरी लाइन का पार्ट था, और जो कि वो पुलिस आई थी वो किसी तरह की पुलिस नहीं थी, ना वो होमलैंड सर्विस वाली थी ना ही किसी और सर्विस की थी। तो आप सब लोगों को खुश हो जाइए, बिकॉज हमें जो कि इस बार के मेन इवेंट पर फाइनली ब्रॉक लेसनर वर्सेस जो कि रोमन रेंस देखने को मिलने वाला है। और करंटली अगर मैं
रेटिंग्स वगैरह से और बैटिंग आउट से बात करूं, इस बार जो कि है मेन इवेंट वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट होने वाला है, जो कि हमें थोड़ी सी खुशी लेकर आएगा, बिकॉज ये सिंपल जो कि ऐसे नहीं होने वाला एंड अप जो कि रोमन रेंस सीधा ही जाकर हार जाए या फिर ब्रॉक लेसनर हार जाए, इस तरीके से नहीं होने वाला, जो कि मैच की एंडिंग या फिर मैच में जो भी होने वाला है। तो इनसाइटर्स का कहना है उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ट्विस्ट है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे बढ़िया रेसलिंग मूव्स करने वाली है या फिर उसे रेसलिंग के मूव से 100% बनाया जाएगा, यानी क्लियर विक्ट्री होनी बहुत मुश्किल रहेगी। लास्ट में रोमन रेंस को जितना बहुत मुश्किल लगेगा और लास्ट में जीतेंगे रोमन रेंस, ये भी बैटिंग आउट्स का ये चीज तो कंफर्म्ड है, बट ये मैच जो होने वाला है काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन।